सो सेक्शन वन है समर एक्टिविटीज एट लंडन क्यू गार्डन वन से लेके सिक्स क्वेश्चन है विच सेक्शन कंटेन्स विच सेक्शंस कंटेन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन सो फर्स्ट है लर्निंग वट ऑल द प्ला डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द प्लांट डू ये सीखना कि प्लांट के जो डिफरेंट सेक्शंस हैं वो क्या करते हैं सो so यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा एफ पैराग्राफ में यंग एक्सप्लोरर्स कैन डिस्कवर द न्यू चिल्ड्रंस आउटडोर प्ले एरिया शेप्ड लाइक ए प्लाट इन क्यूज़ मैजिकल कंजर्वेशन एरिया सो यो यंग मतलब जो छोटे बच्चे हैं यंग एक्सप्लोरर्स एक्सप्लोरर्स होते हैं जो चीज़ों को ढूंढते हैं डिस्कवर करते हैं सो कैन डिस्कवर द न्यू चिल्ड्रन्स आउटडोर प्ले एरिया वो डिस्कवर कर सकते हैं नए बच्चों के आउटडोर प्ले एरिया को जिसकी शेप कैसे है प्लांट के जैसी है मतलब जो आउटडोर प्लो प्ले एरिया है उसकी शेप है जो वो प्लांट के जैसी है कहाँ पे है इन क्यूज मैजिकल कंजर्वेशन एरिया यहाँ पे है कंजर्वेशन एरिया होता है जहाँ पे किसी चीज़ को प्रिजर्व करके रखा हुआ है एज यू जर्नी थ्रू दिस इंटरेक्टिव लैंडस्केप इंटरेक्टिव होता है जिससे हम इंटरेक्ट कर सकें सो <coughs> <coughs> so जैसे हम एक जर्नी करते हैं इस लैंडस्केप से लैंडस्केप मतलब कोई भी जगह हो गई डिस्कवर द फंक्शंस ऑफ एवरी पार्ट ऑफ ए प्लांट सो फंक्शंस मतलब कि क्या फंक्शन करता है हर एक पार्ट एक प्लांट का ठीक है तो ये हमारा सेक्शन आ गया और देन है टनल थ्रू जायंट रूट्स बड़े बड़े रूट्स के जो बीच में सुनोगे वहां से वो गुजरेंगे गेट लॉस्ट अमंग द लीव्स सो so, लीव्स के बीच में वो छिप सकते हैं हाइट अमंग द लार्ज फंगी वाइल सॉल्विंग पजल्स अलॉन्ग द वे साथ साथ में वो पजल्स को भी सॉल्व करेंगे सो so, लेकिन यहाँ पे जो लिखा है डिस्कवर द फंक्शंस ऑफ एवरी प्लांट एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट सो यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द प्लांट वो क्या करते हैं उसके बारे में सीखना सो so, हमारा फर्स्ट आंसर आ जाता है एफ सेकेंड क्वेश्चन है सींग आर्ट सो ऐसा आर्ट देखना शोइंग प्लाट्स फ्राम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से प्लांट्स हों उनका आर्ट देखना सो विजिट आवर एक्साइटिंग एंड कलरफुल एग्जिबिशन सो एग्ज़िबिशन होती है जहाँ पर कुछ शो किया जाए ऑफ साउथ अमेरिकन बॉटानिकल पेंटिंग्स तो यहाँ पर आर्ट आ गया विच ब्रिंग्स द कॉन्टीनेंट एग्जॉटिक्जॉटिक होता है फॉरन एंड लश लश मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्लांट्स टू लाइफ इन वर्कस फ्रॉम टू हंड्रेड ईयर्स गो एंड फ्रॉम दिस सेंचुरी तो एक्सॉटिक हो गया फॉरन के जो बहुत सारे अबंडेंट प्लांट्स हैं टू लाइफ वो उसको लाइफ में लाता है इन वर्कस मतलब उसकी पेंटिंग्स हैं वहाँ पे फ्रॉम टू हंड्रेड ईयर्स गो जो दो सौ साल पुरानी हैं और इसी सदी की हैं सो so, इसी सदी की और इस दो सौ साल पुरानी और इस सदी की जो प्लांट्स का जो वर्क है मतलब पेंटिंग्स वगैरह हैं फॉरन की हैं तो वो यहाँ पे शो की जाती हैं सो तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे आ गया एच थर्ड क्वेश्चन है द पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग योर वर्क एग्जिबिटेड तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो जहाँ पे आपका वर्क को एग्जिबिटेड मतलब शो किया जाए ये पैराग्राफ में हम देखेंगे यहाँ पे लिखा है इफ़ यू आर इन दिस एज कैटेगरी एंड फैंसी योर सेल्फ एज अ फोटोग्राफर फैंसी मतलब डिजायर या वॉन्ट तो अगर आप इस एज कैटेगरी में हो और आप एज अ फोटोग्राफर खुद को मतलब डिजायर है आपकी और चाहते हैं फोटोग्राफर आप uh, समझते हैं खुद को फोटोग्राफर देन यू कैन एंटर फॉर द नेक्स्ट शो तो आप नेक्स्ट शो के लिए एंटर कर सकते हैं तो कौन सा शो है यहाँ पे एक्चुअली शो uh, की जाती है सो कम एंड सी फैंटास्टिक आउटडोर एग्जिबिट्स और एग्जीबिशंस ऑफ गार्डन वाइल्ड लाइफ बॉटनिकल फोटोग्राफी वॉक अमंग्स इन इन लार्ज फोटोग्राफ्स एंड एडमायर द वंडरफुल गार्डन फोटोज़ ऑल टेकन बाय चिल्ड्रन एज सिक्सटीन एंड अंडर फ्रॉम ऑल अराउंड द कंट्री पूरी कंट्री से सोलह या सोलह के कम की उम्र के जो बच्चे हैं उन्होंने ये सारी फोटोग्राफ्स ली हैं अगर इस आप इस एज कैटेगरी में बिलोंग करते हैं और आप खुद को फोटोग्राफ समझते हैं मतलब आप डिज़ायर है फोटोग्राफ बनने की देन आप इस एंटर कर सकते हैं इस शो में मतलब आपका भी जो वर्क है वो यहाँ पे शो किया जाएगा सो इसलिए हमारा ये जो आंसर आता है थर्ड का वो होगा फोर्थ क्वेश्चन है लर्निंग अबाउट वाई ह्यूमन बींग्स नीड प्लांट्स सो ह्यूमन बींग्स को प्लांट्स क्यों चाहिए क्यों जरूरत है प्लांट्स की ह्यूमन बींग्स को सो वट अ बायोडावर्सिटी ऑल अबाउट ये बायोडावर्सिटी है क्या डिड यू नो क्या आप जानते हैं दैट एवरी ब्रेथ यू टेक एंड एवरी मूव वी मेक डिपेंड्स ऑन प्लांट्स क्या आप ये जानते हैं कि हर सांस जो हम लेते हैं और हर मूव जो हम लेते हैं वो डिपेंड करता है प्लांट्स प्लांट्स के होने पे सो टेक अ गाइडेड टूर टू डिस्कवर व्हाट डाय बायोडिवर्सिटी मीन्स एंड व्हाई इट मैटर्स सो मच तो यहाँ से वो हमें पता लगता है कि ह्यूमन बीइंग्स को प्लांट्स क्यों चाहिए क्योंकि हर सांस जो हम लेते हैं हर मूव जो हम लेते हैं वो किस पे डिपेंड करता है प्लांट्स पे अगर हम इसके बारे में जानना चाहते हैं डिस्कवर करना चाहते हैं तो गाइडेड टूर ले सकते हैं बायोडावर्सिटी का कि बायोडावर्सिटी का मतलब क्या है और ये क्यों मैटर करती है हमारे लिए सो so, इसलिए हमारा ये आंसर आ जाएगा जी फिफ्थ क्वेश्चन है समथिंग दैट हैपन्स डेली एट द सेम टाइम सो कुछ जो होता है डेली एट द सेम टाइम सेम समय पे सो so, अगर हम डी पढ़ें एन एक्स्ट्राऑर्डनरी साउंड इंस्टॉलेशन क्रिएटेड बाय क्रिस वॉटसन तो कोई साउंड इंस्टॉलेशन की है क्रिस वॉट्सन ने बहुत एक्स्ट्राऑर्डनरी है ये ऑन द आर ऑन द आर होता है सेम समय पर हर घंटे थ्रू आउट द डे मतलब सेम समय पे हर घंटे पूरे दिन द पाम हाउस जो पाम हाउस है इज फिल्ड विद वो भरा हुआ है विद द साउंड ऑफ डॉन एंड डस्ट चोर्सेस ऑफ बर्ड्स डॉन एंड डस्ट होता है सुबह और शाम सुबह के टाइम और शाम के टाइम जब मध्यम सी लाइट होती है चोर्स चोरस और चोर्सेस होते हैं काइंड ऑफ आप कह सकते हैं गाना ऑफ़ बर्ड्स सो बर्ड्स के जो सुबह और शाम जो गाना है वो उनका चहचह नाम बोल सकते हैं उससे वो पार्म हाउस भरा रहता है दैट लिव इन सेंट्रल एंड साउथ अमेरिकन रेन फॉरेस्ट जो सेंट्रल और साउथ अमेरिकन रेन फॉरेस्ट में रहते हैं सो थ्रू आउट द डे सेम समय पर घंटे हर घंटे के सेम समय पर सो so इसलिए हमें ये क्लियर हो जाएगा फिफ्थ का जो आंसर है वो होगा डी सो सी पैराग्राफ है ए वर्ल्ड ऑफ पॉलिनेशन कम्स टू लाइफ इन द प्रिसेस ऑफ वेल्स कंजर्वेटरी सो पॉलिनेशन यहाँ पे होता है प्रिंसेस ऑफ वेल वेल्स कंजर्वेटरी में पॉलिनेशन क्या है प्रोसेस क्या है सो so, उसमें एक जो फ्लावर है मेल फ्लावर है वो आपका पॉल वो खुद का पॉलिन दूसरे फ्लावर तक ट्रांसफ़र करता है फीमेल स्टेगमा तक ट्रांसफ़र करता है ये कैसा कैसे होता है तो मेल जो फ्ला फ्लार है तो उसमें कोई बर्ड या कोई बटरफ्लाई या कोई इंसेक्ट आएगा और फिर जो फ्लार है उसको पॉलिन दे देगा सो बेसिकली फ्लावर है जो मेल फ्लावर है वो अट्रैक्ट uh, करता है बटरफ्लाईज को बीज को और वो फिर उनमें पॉलिन लगा देता है और देन वो पॉलिन जब वो बटरफ्लाई uh, या बीज या इंसेक्ट फीमेल फ्लावर तक जाता है तो वो पॉलिन उसको फीमेल को दे देता है इस तरह वो फर्दर सीड्स बनते हैं जिनसे उनकी नई जनरेशन फर्दर एग्जिस्टेंस में आती है तो इस प्रोसेस को पॉलिनेशन बोलते हैं तो ठीक है तो पॉलिनेशन कैसे होता है वो यहां पे दिखाया जाता है फाइंड यूर सेल्फ इन ए ट्रॉपिकल एनवायरमेंट यहां पे आपको ट्रॉपिकल एनवायरमेंट मिलेगा वाइल वॉकिंग थ्रू क्लाउड्स ऑफ कलरफुल बटरफ्लाइज यहां पे ऐसा लगेगा कि आप कलरफुल बटरफ्लाइज की क्लाउड uh, से गुजर रहे हैं एज दे फ्लाई अराउंड द कंजर्वेटरी क्योंकि वो पूरी कंजर्वेटरी में घूमती रहती हैं ऐसा लगेगा जैसे बटरफ्लाइज का जो बादल है कम फेस टू फेस विद किंगेटिक स्कल्पचर्स ऑफ इंसेक्ट्स यहाँ पे आपको बहुत बड़े बड़े स्कल्पचर्स मिलेंगे मूर्तियाँ मिलेंगी किसकी इंसेक्ट्स की बर्ड्स की, की और बैट्स की ठीक है विच विल हेल्प टेल द फैसिनेटिंग स्टोरीज ऑफ हाउ दे इंट्रैक्ट विद प्लांट्स तो वो आपको फैसिनेटिंग बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज बताएंगे कि वो कैसे इंट्रैक्ट करते थे प्लांट्स के साथ इंट्रैक्ट करते हैं प्लांट्स के साथ सो so, इससे हमारा पोशन सारा कवर हो जाएगा रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस क्रिएचर्स इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स सो इसलिए हमारा आंसर so, city, city, question, true, false, the, cities, ये आंसर आएगा सी सो नेक्स्ट टॉपिक है सिटी पार्क एंड राइड सिटी पार्क एंड राइड के सेवन से फोर्टीन क्वेश्चन ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है सेवंथ क्वेश्चन है दिस वॉज वन ऑफ द फर्स्ट यू के सिटीज ये यूके की सिटीज में से पहली थी टू इंट्रोड्यूस जिसने इंट्रोड्यूस किया पार्क एंड राइड स्कीम पार्क एंड राइड स्कीम को ऐसी इंफॉर्मेशन यहां पे हमें कहीं भी अवेलेबल नहीं है कि ये फर्स्ट यूके की सिटी थी ठीक है यहाँ पे लंदन के बारे में बात की है लेकिन वो फर्स्ट यूके की सिटी थी ऐसा हमें कहीं भी पता नहीं इंट्रोड्यूस नहीं किया गया कि वो पार्क एंड राइट की स्कीम को उसने इंट्रोड्यूस किया पहली बार तो इसलिए हमारा आंसर ये आ जाएगा नॉट गिवन एथ क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ कंजेशन इन द सिटी सेंटर हैज फॉलन सो जो कंजेशन है भीड़ है वो क्या हुई है सिटी सेंटर में कम हुई है सिटी सेंटर में वो भीड़ कम हुई है यहाँ पे देखें हम मोर देन थ्री मिलियन पैसेंजर्स अ ईयर टेक अ बस फ्रॉम ए पार्क एंड राइट साइड इन द सिटी तो सिटी जो पार्क एंड राइट साइड से वो सिटी में थ्री मिलियन पैसेंजर्स जो हैं वो बस लेके जाते हैं रिड्यूजिंग कंजेशन एंड हेल्पिंग टू इम्प्रूव द एयर क्वालिटी इन द सिटी सेंटर सो एयर क्वालिटी भी इम्प्रूव हुई है और कंजेशन भी रिड्यूज़ हुई है सो so, इसलिए हमें ये पता लग गया आंसर ये क्या है कंजेशन फॉल हुई है यस, ट्रू नाइन्थ क्वेश्चन है देर इज अ स्पेशल सेक्शन ऑफ पार्क कार पार्क फॉर द हैवी गुड सर्विस सो स्पेशल सेक्शन है कार पार्क का किसके लिए हैवी गुड सर्विस के लिए, लिए. यहाँ पे लिखा है नो ओवर नाइट पार्किंग इज परमिट एंड हैवी गुड व्हीकल्स आर नॉट परमिटेड एट पार्क एंड राइट साइड एट एनी टाइम तो हैवी गुड्स एंड व्हीकल्स जो है वो परमिटेड ही नहीं है पार्क करने के लिए ठीक है, ऊपर so, uh, के बारे में बात नहीं गई यहां पे लिखा है कि at any time, मतलब किसी भी time पे वो allowed ही नहीं कार पार्किंग के लिए बस ड्राइवर डू नॉट गिव चेंज सो बस ड्राइवर है जो वो चेंज नहीं देते सो यू मस्ट मस्ट मतलब और कोई ऑप्शन नहीं है सो यू मस्ट द करेक्ट मनी फॉर ए टिकट सो आपके आपके पास करेक्ट मनी होनी चाहिए टिकट की तो इसका मतलब अगर आपने ज्यादा पैसा दे दिया है तो वो वापस आपको चेंज नहीं देगा जो बस ड्राइवर है उसके पास चेंज नहीं होती तो यहां पे देखें इट इज सिंपल टू यूज जस्ट पार्क योर कार एंड बाय योर बस टिकट फ्रॉम द बस ड्राइवर अपनी कार पार्क करो और बस ड्राइवर से अपनी बस टिकट परचेज करो विद द करेक्ट मनी इफ पॉसिबल तो ये जो टर्म है इफ पॉसिबल अगर हो सके तो करेक्ट मनी से परचेज कीजिए बस टिकट पॉसिबल मतलब अगर पॉसिबल हो लेकिन अगर पॉसिबल ना हो इसका मतलब हम वैस, दूसरी तरह भी तो ज्यादा अमाउंट देके भी हम परचेस कर सकते हैं तो इसलिए यू मस्ट द करेक्ट मनी फॉर द टिकट ये आंसर हो जाएगा false, नहीं ये यहां पे लिखा गया इफ पॉसिबल अगर पॉसिबल हो तभी हम करेक्ट मनी देंगे अगर नहीं है चांस तब भी हम टिकट खरीद सकते हैं तो ऐसा मस्ट नहीं है तो इसलिए ये भी हमारा आंसर फॉल्स हो जाएगा टिकट प्राइस वेरी वेरी का मतलब होता है डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द टाइम ऑफ द डे सो जो प्राइस है वो डिपेंड करता है टाइम ऑफ के मतलब दिन के किस समय में हम परचेज कर रहे हैं तो उस हिसाब से प्राइस डिफरेंट हो जाएगा वेरी करेगा सो so, यहाँ पे लिखा है एंड इंडिविजुअल अडल्ट डेली रिटर्न परचेज प्रायर टू ट्वेल्व थर्टी फॉर यूज चैट डे कॉस्ट ट्वेल्व टू पॉइंट फोर्टी पाउंड इफ परचेज आफ्टर टू थर्टी इट कॉस्ट टू पॉइंट टेन तो इसका मतलब यहाँ पे दो डिफरेंट कॉस्ट्स हो गई एक बारह तीस से पहले और एक बारह तीस के बाद सो टाइम ऑफ का डे के हिसाब से जो प्राइस है वो वेरी कर रहा है सो so, ये हो जाएगा ट्रू एक्सर चिल्ड्रन अंडर सिक्सटीन जो बच्चे सोलह साल से कम के हैं ट्रैवलिंग अलोन जो अलग uh, अलोन मतलब इकले किसी के साथ नहीं होते ट्रैवल करते हैं आर अलाउड फ्री ट्रैवल तो उनको फ्री ट्रैवल मिलता है पे देखें अप टू फोर चिल्ड्रन अंडर सिक्सटीन ट्रेवल फ्री विद एन अडल्ट और कंसेशनरी पास होल्डर तो चार बच्चे जो हैं अंडर सिक्सटीन ट्रेवल कर सकते हैं फ्री विद एन अडल्ट अडल्ट के साथ और कंसेशनरी पास होल्डर जिसके पास कंसेशनरी पास होल्डर है उनके साथ चार बच्चे हैं अप टू चार बच्चे वो फ्री ट्रेवल कर सकते हैं यहाँ पे तो अडल्ट के साथ था लेकिन यहाँ पे अनकम्पनीड चिल्ड्रन मतलब अलोन तो वापस आने का जो फेयर है जो अलोन uh, बच्चे हैं इकले हैं मतलब उनके साथ और कोई नहीं है अंडर सिक्सटीन इज वन पॉइंट टेन पाउंड तो उनके लिए प्राइस है वन पॉइंट टेन पाउंड इसका मतलब फ्री ट्रैवल नहीं करेंगे जो अंडर सिक्सटीन ट्रेवलिंग ट्रैवल कर रहे हैं बच्चे अकेले आर अलाउड फ्री ट्रैवल सो नो वो फ्री ट्रैवल नहीं है सो so, ये फॉल्स है आंसर क्यों क्योंकि अनअकंपनीड होता है जो uh, अकेले ट्रैवल करते हैं सो so, अकेले अगर बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं अंडर सिक्सटीन तो चाहे वो रिटर्न हो या जाने का हो आने का हो ट्रैवलिंग तो उसी में इंक्लूड है तो उनको 1.10 पाउंड पे करना पड़ेगा सो so, इसलिए ये फ्री ट्रैवल नहीं है नेक्स्ट है द स्पेस फॉर साइकिल्स जो स्पेस है किसकी साइकिल्स मोटरसाइकिल्स और स्कूटर की इज क्लोज टू द साइट ऑफिस वो साइट ऑफिस के पास है क्लोज है यहां पे साइट ऑफिस की बात की है सो so लेकिन यहां पे लिखा है जस्ट पार्क योर साइकिल मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इन द एलोकेटेड स्पेस जो एलोकेटेड स्पेस मतलब जो स्पेस एलोकेट की गई है वहीं पे पार्क करो एंड बाय योर टिकट फ्रॉम द साइट ऑफिस लेकिन साइट ऑफिस और ये जो इनकी एलोकेटेड स्पेस है पार्किंग की वो पास में है या नहीं पास में है इसके बारे में हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि क्लोज है वो आपस के साइट uh, ऑफिस और ये जो पार्किंग स्पेस है ये क्लोज है एक दूसरे के तो ये हमें कंफर्म नहीं है इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा नॉट गिवन इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है पीपल विद कंसेशनरी बस पास जिनके पास कंसेशनरी बस पास है मे पे मस्ट पे उनको पे करना पड़ेगा क्या फुल फेयर पूरा किराया टू ट्रैवल एट सर्टेन टाइम्स जो खास समय है कोई पर्टिकुलर वहाँ पे उनको कोई कंसेशन नहीं मिलेगा पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी यहाँ पे लिखा है रिटर्न टिकट फॉर कंसेशनरी बस पास होल्डर कॉस्ट वन डॉलर वन पाउंड आफ्टर नाइन थर्टी मंडे टू फ्राइडे एट एनी टाइम एट वीकेंड और बैंक हॉलीडेज़ ठीक है मंडे टू फ्राइडे आव, नौ साढ़े नौ के बाद वन डॉलर कॉस्ट है कंसेशन प्राइस पे डिस्काउंट पे और बैंक हॉलीडेज और वीकेंड पर कभी भी है जब भी ओपन हो एट अदर टाइम्स बाकी समय में देर इज नो रिडक्शन फॉर द होल्डर्स ऑफ कंसेशनरी बस पास उसके अलावा जो बाकी समय है वहां पे कोई भी रिडक्शन नहीं है फॉर कंसेशनल बस होल्डर्स के लिए तो इसका मतलब ये हमारा आंसर आ जाएगा ट्रू उनको पूरा किराया पर पे करना पड़ेगा उनके लिए कोई कंसेशन नहीं है सो दे मस्ट पे फुल फेयर सो नेक्स्ट सेक्शन टू है हाउ टू ऑर्गेनाइज ए सक्सेसफुल बिजनेस कॉन्फ्रेंस टू स्टार्ट विद यहां पे हमें ब्लैंक फिल करनी है और हम यूज कर सकते हैं वन वर्ड ओनली सो एक वर्ड ही यूज कर पाएंगे फर्स्ट स्टेप ऑर्गेनाइज ए बिजनेस कॉन्फ्रेंस ठीक है तो फर्स्ट स्टेप ये हो गया टू स्टार्ट विद देन है वेन एंड वेयर एंड वैन वेयर हो गया वेन्यू वेन मतलब टाइमिंग टाइमिंग सो वेयर वेन्यू एंड टाइमिंग की बात हुई है है ट्राई टू अवॉइड शेड्यूलिंग द कॉन्फ्रेंस ड्यूरिंग डैश टाइम्स और वेन अदर एनूअल कॉन्फ्रेंसिस अकर तो अवॉइड मतलब मत कीजिए शेड्यूल अपनी कॉन्फ्रेंस को ड्यूरिंग डैश टाइम डैश टाइम में या फिर अदर एनुअल कॉन्फ्रेंस जो होती हैं उस टाइम में शेड्यूल मत करिए अपनी कॉन्फ्रेंस uh, को सो द डेट एंड वेन्यू शुड दैन बी चूजन देर आर ऑफन इंटरडिपेंडेंट दीज आर ऑफन इंटरडिपेंडेंट सो वेन्यू और डेट जो है आपस में इंटर होती हैं एंड वेन चूजिंग द डेट टेक इन टू अकाउंट द टाइमिंग ऑफ सिमिलर रेगुलर इवेंट्स विच में क्लैश तो सिमिलर रेगुलर इवेंट्स को ध्यान में रखें जो आपस में क्लैश हो सकती हैं सो अदर एनअल कॉन्फ्रेंस जो होती हैं उनको ध्यान में रखें ऑल्सो कंसिडर हॉलीडे पीरियड्स विच मे मीन दैट पीपल आर अवे एंड सो विल नॉट बी एबल टू अटेंड सो हॉलीडे पीरियड्स को भी ध्यान में रखें क्योंकि बत, फिर लोग दूर होंगे वो अटेंड नहीं कर पाएंगे सो so, यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा ड्यूरिंग हॉलीडे पीरियड मतलब हॉलीडे टाइम्स नेक्स्ट है चूज ए प्लेस विद लार्ज हॉल तो प्लेस चूज करिए बड़े हॉल से बड़े हॉल के साथ एंड ऑल्सो डैश स्पेसिस फॉर स्मॉलर मीटिंग्स स्मॉलर मीटिंग्स के लिए डैश स्पेसिस भी ध्यान में रखें मतलब चूज करें तो यहाँ पर देखें <coughs> कंसिडर द साइज ऑफ द मेन हॉल लेक्चर हॉल साइज को ध्यान में रखें क्योंकि बड़ा चाहिए एंड वेदर इट इज़ बिग इनफ फॉर द एंटिसपेटेड नंबर ऑफ डेलीगेट्स तो काफ़ी बड़ा होना चाहिए ताकि जितने भी डेलीगेट्स हैं वो पूरे आ सकें देन लुक फॉर पोटेंशियल ऑफ हैविंग ब्रेकआउट एरियाज तो ब्रेकआउट एरियाज के बारे में भी ध्यान रखें मतलब देखें वहाँ पे ब्रेकआउट एरियाज पॉसिबल हैं फॉर सेपरेटिंग इंटू नंबर ऑफ़ ग्रुप्स फॉर डिस्कशंस ताकि हम नंबर ऑफ़ ग्रुप्स में उनको डिवाइड कर सकें सेपरेटिंग मतलब उनको डिवाइड कर सकें डिस्कशंस के लिए सो स्मॉलर मीटिंग्स के लिए

सो द नेक्स्ट इज टू चूज द स्पीकर तो नेक्स्ट काम क्या है स्पीकर को चूज करना है एंड इन्वाइट देम उनको इन्वाइट करना मेक श्योर यू गिव देम क्या देना है एम्पल नोटिस सो दे आर मोर लाइकली टू बी अवेलेबल तो वहाँ एम्पल होता है एम्पल नोटिस उनको प्रोवाइड कीजिए मतलब पहले काफ़ी पहले उनको नोटिस प्रोवाइड कर दीजिए मोस्टली इसका ये मीनिंग हो सकता है एम्पल मीन्स काफ़ी बड़ा हो गया सो नोटिस सो दे कैन दे आर मोर लाइकली टू बी अवेलेबल तो उनको सो गिव द स्पीकर एज मच एम्पल मतलब मच हो गया सो नोटिस एज पॉसिबल ने कंफर्म इंडिविजुअल डिटेल्स विद स्पीकर इंडिविजुअल डिटेल्स को कंफर्म करें स्पीकर के साथ चेक करें इफ दे विल नीड अकोमोडेशन उनको अकोमोडेशन चाहिए या नहीं चाहिए वो चेक करें एंड रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट करें ए डैश ऑफ द प्रेजेंटेशन उनके प्रेजेंटेशन का एक डैश रिक्वेस्ट करें यहाँ पे एट द सेम टाइम कॉन्टेक्ट ऑल द स्पीकर ऑल द स्पीकर अगेन कन्फर्म देयर पर्टिकुलर टॉपिक्स सो उनके साथ इंडिविजुअल डिटेल्स को पर्टिकुलर टॉपिक्स को कन्फर्म करें विजुअल एड विल विल बी अवेलेबल एंड फाइंडिंग आउट देयर अकोमोडेशन सो उनके अकोमोडेशन के बारे में फाइंड आउट करें चेक करें रिक्वायरमेंट्स आस्क देम आस्क देम का मतलब हो गया रिक्वेस्ट आस्क देम टू प्रोवाइड ए रिटन समरी ऑफ देयर प्रेजेंटेशन तो रिटर्न समरी उनको पूछें आस्क दैम टू प्रोवाइड कि उनको पूछें कि प्रोवाइड करो हमें रिटर्न समरी ऑफ द प्रेजेंटेशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू डेलीगेट्स एट द कॉन्फ्रेंस ताकि वो उसे डिस्ट्रीब्यूट कर पाए कॉन्फ्रेंस में डेलीगेट्स को डेलीगेट्स मतलब जो भी वहां पे पार्टिसिपेट करने आएंगे सो इफ दे विल नीड अकोमोडेशन ठीक है उसको अकोमोडेशन रिक्वायरमेंट्स को चेक करें एंड रिक्वेस्ट ए रिटर्न समरी लेकिन हमें वन वर्ड लिखना है इसलिए हम समरी ऑफ द प्रेजेंटेशन लिखेंगे समरी नेक्स्ट फाइनल टास्क गिव द वेन्यू प्रोसाइज नंबर ऑफ अटेंडीज सो वेन्यू को बताएं मतलब जहाँ भी कॉन्फ्रेंस भी होगी कि कितने नंबर ऑफ़ अटेंडीज होंगे मेक श्योर ईच पर्सन अटेंडिंग रिसीव इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉन्फ्रेंस सो ये पक्का करें कि जितने भी अटेंड कर रहे हैं कॉन्फ्रेंस लोग पर्सन उनको इन्फॉर्मेशन पता लगे कॉन्फ्रेंस के बारे में एंड ए डैश फॉर आइडेंटिफिकेशन और अडेंटिफिकेशन के लिए डैश हो तो यहाँ पर अगर देखें अप्रॉक्सिमेटली फोर टू तो फाइव वीक्स बिफोर द कॉन्फ्रेंस कन्फर्म द प्रोविजनल नंबर एंड विद द वेन्यू सो नंबर प्रोविजनल मतलब स्टार्टिंग मतलब एस्टिमेटेड uh, नंबर उन, उन, उनके साथ कंफर्म कर लें कॉन्टेक्ट देम अगेन अबाउट टू वीक्स प्रायर टू द कॉन्फ्रेंस टू कंफर्म फाइनल नंबर सो चार से पाँच हफ्ते पहले उनके साथ कोई एक टेम्प्रेरी नंबर प्रोविजनल होता है टेम्प्रेरी नंबर डिसाइड कर लें कि इतने लोग आएंगे और फिर टू वीक्स पहले उनके साथ कॉन्फ्रेंस में फाइनल नंबर भी डिसाइड कर लें फाइनल नंबर मतलब हाँ भी 400 500 जितने भी पर्सनस आ रहे हैं तो फाइनल नंबर इतने लोग आएंगे डिसाइड ऑन वेन्यू ठीक है एंड फाइनलाइज द अरेंजमेंट अरेंजमेंट को फाइनलाइज कर दें मतलब तो कर लें कि वेन्यू वाले को बता दें इतने जाने आ रहे हैं ठीक है थीके? तो दो हफ्ते पहले प्रपेयर को प्रपेयर करें टू इंक्लूड उसमें क्या इंक्लूड करना है ए नेम बैंडेज उसमें डेम बैंडेज हो डेलीगेट लिस्ट हो और प्रोग्राम हो ठीक है तो यहां पे आ गया मस्ट uh, मेक श्योर द पसन अटेंडिंग रिसीव इन्फॉर्मेशन आर द कॉन्फ्रेंस एंड ए डैश फॉर आइडेंटिफिकेशन सो आडेंटिफिकेशन का सस्य होगी नेम बैंडेज से ही होगी सो so आंसर आ गया बैंडेज ठीक है नेक्स्ट है द वैन्यू शुड प्रोवाइड पैडस ऑफ पेपर एंड पेन सो पेपर एंड पेन पैड पे पेपर और पेन उनको दें ठीक है एंड प्रिपेयर क्वेश्चन और क्वेश्चन एयर परपेयर करें क्वेश्चन हो उसमें फॉर ऑल डेलीगेट्स टू कंप्लीट एट द एंड ऑफ द कॉन्फ्रेंस ठीक है सारे डेलीगेट्स जो कंप्लीट कर पाए एट द एंड ऑफ दर कॉन्फ्रेंस द रिस्पॉन्स विल बी एनेबल यू टू गेज द सक्सेस ऑफ द कॉन्फ्रेंस एंड स्टार्ट प्लानिंग द नेक्स्ट वन उनके जो रिस्पॉसिस हैं मतलब जो भी वो क्वेश्चन को जब पूरा कर देंगे कंप्लीट कर देंगे उससे हमें पता लगेगा कि सक्सेसफुल कितनी हुई है कॉन्फ्रेंस तो हम नेक्स्ट कब प्लान कर सकते हैं कैसे प्लान कर सकते हैं तो यूज डैश टू तो गेट ओपिनियंस ओपिनियंस तो लेने के लिए हम क्या करेंगे तो आंसर इज क्वेश्चन हम बनाएंगे सो यूज क्वेश्चन एयर्स ट्वेंटी फर्स्ट क्वेश्चन है बाय लर्निंग एट एन अप्रेजल जो भी अप्रेजल है वहां पे अब अगर सीखें व्हाट एरिया ऑफ वर्क नीड्स इंप्रूविंग तो कौन सा जो एरिया है वर्क का उसमें इंप्रूवमेंट चाहिए तो अगर हम सीख लें अप्रेजल से कि कौन से एरिया में हमें इंप्रूवमेंट चाहिए स्टाफ कैन इंप्रूव देयर चांसेस ऑफ गेटिंग डैश तो उनके चांसेस हैं डैश रिसीव करने के गेटिंग करने गेट करने के वो बढ़ जाएंगे तो उनको अगर एरिया अप्रेजल uh, से वो ये सीख लें कि वट एरिया ऑफ वर्क नीड इम्प्रूविंग नीड तो किस एरिया में उनको इंप्रूवमेंट चाहिए तो यहाँ पे अगर हम देखें द एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल कैन हेल्प इम्प्रूव आवर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोवाइड ए फाउंडेशन ऑफ अवर वर्क प्रॉयरटीज़ तो एनुअल जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है ये हमें हेल्प करता है कैन हेल्प इम्प्रूव आवर प्रोडक्टिविटी हमारी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करेगा एंड प्रोवाइड फाउंडेशनें बेस प्रोवाइड करेगा हमारी वर्कवाइडे प्रायरिटीज का इट इज़ हाउ एवर क्रिटिकल ये पर इंपॉर्टेंट है टू हैव द राइट एटीट्यूड एंड अप्रोच कि हमारा एटीट्यूड सही हो अप्रोच सही हो नोइंगे जानना मीन्स लर्निंग वट एरिया योर सुपीरियर सी एज योर वीकनेस इज द मोस्ट डायरेक्ट वे ऑफ इंक्रीजिंग द लाइवलीहुड ऑफ बींगार प्रमोशन अगर आपको ये पता लग जाए कि जो आपके सुपीरियर्स हैं वो आपकी वीकनेस को कैसे देखते हैं सो वट एरियाज ऑफ सुपी वट एरियाज योर सुपीरियर सी एज योर वीकनेस तो अगर आपको यह पता लग जाए कि आपके जो सुपीरियर्स हैं, आपको किस एरिया में आपको वीक समझते हैं इज द मोस्ट डायरेक्ट वे ये सीधा डायरेक्ट वे है ऑफ इंक्रीजिंग द लाइवलीहुड ये प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करने का ऑफ बीइंग कंसिडर फॉर प्रमोशन कि आपको क्या मिल जाए प्रमोशन मिल जाए इफ दैट इज व्हाट यू आर लुकिंग फॉर अगर आप ये देख रहे हैं ध्यान में रख रहे हैं तो सो व्हाट एरियाज ऑफ वर्क नीड इंप्रूविंग कौन से एरिया में इंप्रूवमेंट चाहिए ये अगर हम सीख लें अप्रेजल से स्टाफ कैन इम्प्रूव दियर चांसेस चांसेस मतलब लाइवलीहुड ऑफ बींग कंसिडर फॉर प्रमोशन ऑफ गेटिंग आंसर हमारा आ जाएगा प्रमोशन ट्वेंटी सेकेंड क्वेश्चन है इट इज इंपोर्टेंट टू थिंक ऑफ सम ये जरूरी है कि आप सोचें कुछ डैश दैट कैन बी यूज ड्यूरिंग द अप्रेजल जो यूज किए जा सकते हैं अप्रेजल के समय तो यहां पे अगर देखें क्रिएट अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन क्रिएट करें यू वुड लाइक टू डिस्कस ड्यूरिंग योर अप्रेजल सो ड्यूरिंग योर अप्रेजल अपने अप्रेजल के समय यूज किए जा सकते हैं जो डिस्कस किए जा सकते हैं वो क्वेश्चन की लिस्ट प्रिपेयर कर लें सो इट इज इंपॉर्टेंट टू थिंक ऑफ सम क्वेश्चन दैट कैन बी डिस्कस ड्यूरिंग द अप्रेजल आंसर आ जाएगा क्वेश्चन कैन बी गुड टाइम टू आस्क द बॉस फॉर एक्स्ट्रा डैश तो अप्रेजल एक अच्छा समय है ये पूछने का बॉस को एक्स्ट्रा डैश तो अगर यहाँ पे देखें दिस इज वन ऑन वन टाइम दिस वन ऑन वन टाइम विद योर बॉस इज एन एक्सलेंट अपॉर्चुनिटी एक्सिलेंट ऑपॉर्चुनिटी मतलब गुड टाइम टू आस्क हिम तो उसे पूछने का टू आस्क द बॉस हिम और हर अबाउट योर रोल आपके रोल के बारे में इन द कंपनी एंड रिक्वेस्ट एनी अडिशनल अडिशनल का मतलब हो गया एक्स्ट्रा आंसर आ गया हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो एक तो अपना रोल कंपनी के में क्या होगा वो पूछने का एंड रिक्वेस्ट एनी अडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो फॉर एक्स्ट्रा आंसर आ गया रिस्पॉन्सिबिलिटीज नेक्स्ट है रिएक्ट रिएक्ट डैश टू एनी क्रिटिसिज्म अगर कोई क्रिटिसिज्म होता है तो उस पर डैश रिएक्ट करो कैसे रिएक्ट करना है यहाँ पे देखते हैं प्रेजेंट ए पॉजिटिव एटीट्यूड एज सुन एज यू एंटर द अप्रेजल रूम जैसे ही आप एंटर करते हैं वहाँ पे पॉजिटिव एटीट्यूड रखो अभी क्रिटिसिज्म की बात नहीं हुई तो पॉजिटिव रहो जब आप एंटर करेंगे दिस अप्रोच में लीड टू मोर कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन ऑफ रिव्यू आइटम्स इससे थोड़ा कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन होगी अच्छी डिस्कशन होगी जिसका फायदा हो पॉजिटिव होगा अवॉइड टेकिंग एनी नेगेटिव असेसमेंट कोई नेगेटिव असेसमेंट लेने से uh, को अवॉइड करें दैट आर ऑफर्ड ऑन एज ए पर्सनल अटैक ठीक है जो पर्सनल अटैक हो ऐसी नेगेटिव असेसमेंट लेने से अवॉइड करें बट रेदर ट्राई टू टेक दैम ऑन बोर्ड कामली बट उसको कैसे रिसीव करें कामली रिसीव करें सो so, रिएक्शन कैसी होनी चाहिए सो आंसर इज कामली शांति से एक्सर इट इज हेल्पफुल टू आइडेंटिफाई ए नंबर ऑफ इंडिविजुअल ठीक है सो इंडिविजुअल सो so आइडेंटिफाई करें ये अच्छा होगा कि आप आइडेंटिफाई करें नंबर ऑफ इंडिविजुअल डैश अराइजिंग फ्रॉम अप्रेजल कमेंट्स जो किससे निकले अप्रेजल कमेंट्स से निकले उसको आइडेंटिफाई करें जो इंडिविजुअल डैश निकलते हैं उसको आइडेंटिफाई करें सो क्रिएट लिस्ट ऑफ क्रिएट लिस्ट मतलब काफी जो भी नंबर ऑफ पर्सनल मतलब हो गया इंडिविजुअल गोल्स ठीक है सो क्रिएट लिस्ट ऑफ पर्सनल गोल्स बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब अराइजिंग फ्रॉम योर परफॉर्मेंस ऑफ कमेंट्स मतलब जो कि आपके परफॉर्मेंस अप्रेजल हुआ है अप्रेजल होता है कि जो भी आपने अच्छा बुरा जो भी किया परफॉर्मेंस आपकी एनालाइज की गई है उससे आपके जो भी पर्सनल गोल्स आते हैं उसको लिस्ट में क्रिएट करो सो क्रिएट ए लिस्ट ऑफ पर्सनल गोल्स जो किस पे बेस्ड है परफॉर्मेंस आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल पे बेस्ड है सो इट इज हेल्पफुल टू आइडेंटिफाई नंबर ऑफ इंडिविजुअल गोल्स सो बेस्ड ऑन मतलब अराइजिंग फ्रॉम परफॉर्मेंस अप्रेजल या परफॉर्मेंस अप्रेजल कमेंट्स नेक्स्ट स्टाफ कैन रिक्वेस्ट ए मीटिंग हाफ वे थ्रू द ईयर सो स्टाफ जो है वो रिक्वेस्ट कर सकता है मीटिंग हाफ वे थ्रू द ईयर मतलब ईयर का जो मध्य है उसमें टू लुक एट द डैश विच हैज बीन अचीवड तो डैश को देखने के लिए जो अचीव की गई हैं सो सिक्स मंथस आफ्टर द अप्रेजल मतलब हाफ वे थ्रू द ईयर आस्क फॉर मिड टर्म रिव्यू सो स्टाफ रिक्वेस्ट करेगा मीटिंग स यूर प्रोग्रेस तो क्या डिस्कस होगा उसमें ठीक है प्रोग्रेस डिस्कस होगी टू लुक एट दोग हैजीन अचीव सो हमारा यहां पर आंसर आएगा प्रोग्रेस नेक्स्ट है इफ स्टाफ एक्ट ऑन एनी अप्रेजल कमेंट्स अगर स्टाफ एक्ट करता है किसी भी अप्रेजल कमेंट्स पे दे विल डेमोन्स्ट्रेट देयर डैश टू देर वर्क सो वो डेमोन्स्ट्रेट करेंगे देयर डैश टू देर वर्क यहां पर अगर देखें हम चेकिंग इन विद द बॉस विद योर बॉस अगर हम चेकिंग इन विद योर बॉस मतलब अगर हम अपना जो अप्रेजल है अप्रेजल कमेंट्स हैं वो अगर हम अपने बॉस के साथ चेक करें मतलब उस पर दोबारा ध्यान दें सो चेकिंग इन विद योर बॉस हेल्प्स हिम और हर रिमेंबर तो उससे उसको क्या हेल्प मिलेगी उसे याद रहेगा योर डेडिकेशन एज फार एज योर जॉब इज कंसर्न उसको उसकी डेडिकेशन याद रहेगी एज फार एज योर जॉब इज कंसर्न उसके जॉब के साथ रिलेटेड जो भी उसकी डेडिकेशन है उसके उसको याद रहेगी अगर अगर वो अपने बॉस के साथ अपना जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो चेक करे चेकिंग इन विद योर बॉस हेल्प्स हिम और हर रिमेंबर योर डेडिकेशन एज फार एज योर जॉब इज कंसर्नड सो इफ स्टाफ एक्ट ऑन एनी अप्रेजल कमेंट्स दे विल डेमस्ट्रेट डेमोन्स्ट्रेट इसको यहाँ पे यूज किया गया है एज रिमेंबर सो डेमोस्ट्रेट रिमेंबर यूअर मीनस देयर डेडिकेसन यहाँ पे आंसर आ जाएगा डेडिकेशन एज फार एज योर जॉब इज़ कंसर्नड टू देअर वर्क सो जो उनका वर्क है वहां पे उसको याद रहेगी उनकी क्या डेडिकेशन सो सो नेक्स्ट टॉपिक है एफर्ट्स टू सेव ए स्पेशल बर्ड द स्पोन बिल्ड सैंड पाइपर सो एक स्पेशल बर्ड है सबसे पहले हम करेंगे लिस्ट ऑफ हैडिंग सो लिस्ट ऑफ हैडिंग जो है so यहाँ पे सेक्शन ए बी सी डी ई थर्ड ट्वेंटी एट से लेकर थर्ड थर्टी थ्री तक सेक्शन ए है एट द फर्स्ट ग्लांस फर्स्ट ग्लांस पहली झलक में द स्पून बिल्ड सैंड पाइपर ये जो बर्ड है रिजेंबल्स रिजेंबल्स का मतलब होता है सिमिलर uh, है अदर माइग्रेटरी बर्ड्स के ऑफ द सैंड पाइपर फैमिली दैट ब्रीड्स अक्रॉस द आर्कटिक ब्रीड्स मतलब जिनकी नस्ल पूरे आर्कटिक में फैली हुई है उसके जैसे ही दिखते हैं मतलब वस के जैसे ही हैं बट इट इज ओनली वन टू हैव डेवलप्ड ए फ्लैटनड बिल दैट फ्लेयर्स आउट इन टू ए स्पून एट द एंड एंड दैट मेक्स इट स्पेशल तो ये अगर हम यहां पे पढ़ें इसका मतलब है बट ये इकलौता है बट दैट इज द ओनली वन ये इकलौता ही है टू हैव डेवलप जिसने डेवलप किया है ए फ्लैटनड बिल दैट फ्लेयर्स आउट ए स्पून एट द एंड फ्लेयर्स आउट मतलब जो चमकता है मोस्ट लाइकली फ्लेयर जो होता है वो चमक होती है सो so, जो कि एंड में उसने एक फ्लैटन बिल्ड डेवलप की है जो कि एक एंड में एज अ स्पून चमकता है दैट मेक्स इट ए स्पेशल सो कुछ ये समझ में आ रहा है हमें सो so, ये चीज़ उसे स्पेशल बनाती है तो so, मतलब ये है तो रिजेम्बल करता है बाकियों जैसा लेकिन ये एक चीज़ है जिसको स्पेशल बनाती है तो so, इसलिए हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा ए वेरी अनयूजअल फीचर ऑफ़ दिस बर्ड तो बहुत ही एक अनयूजल फीचर है इस बर्ड का तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि उसके पास एक फ्लैटेंड बिल है जो फ्लेयर आउट इन द स्पून एट द एंड जो इसको ये स्पेशल बनाती है तो इसलिए हमारा आंसर जो है ए का इसका आंसर आ जाएगा सेवेंथ नेक्स्ट है सेक्शन बी अनटल अ फ्यू इयर्स गो कुछ साल पहले द स्पून बिल्ड स्नाइपर जो है सैंड पाइपर है फुली डॉक्यूमेंटेड उसको अभी फुली डॉक्यूमेंटेड नहीं वो फुली डॉक्यूमेंटेड नहीं है मतलब उसके बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है ऑफिशियल विच एडेड टू इट्स फैसिनेशन इसकी वजह से ये और भी आकर्षित हो जाता है बट एन एयर ऑफ मिस्ट्री इज नॉट हेल्पफुल इफ यू आर ए क्रिटिकल इन डेंजर्ड स्पीसीज तो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन इसके बारे में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है अगर वो खत्म होने वाला स्पीशीज़ है मतलब इन है सो द ऑर्गेनाइजेशन बर्ड्स रशिया डिसाइडेड टू प्रोड्यूस ए फोटोग्राफिक एंड ऑडियो रिकॉर्ड ऑफ दिस इम्पीरियल बर्ड विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स अराउंड द वर्ल्ड तो बर्ड रशिया एक ऑर्गेनाइजेशन है उसने डिसाइड किया है इसके ऑडियो और फोटोग्राफ हम रिकॉर्ड करेंगे एक्सपर्ट्स की हेल्प तो के साथ इन द मे ऑफ लास्ट ईयर आई ज्वाइन द इंटरनेशनल एक्सपीडिशन टू वन ऑफ द स्पीशीज लास्ट ब्रीडिंग स्ट्रॉन्ग होल्ड इन नॉर्थ ईस्ट रशिया तो मई के फर्स्ट लास्ट ईयर में लास्ट ईयर मई में मैंने एक इंटरनेशनल एक्सपीडिशन को ज्वाइन किया जो इसी स्पीशीज में पे इसकी ब्रीडिंग पे काम कर रही है नॉर्थ ईस्ट रशिया में ब्रीडिंग मतलब उसकी नस्ल को बढ़ाने की द प्राइमरी एम ऑफ़ द two एंड हाफ मंथ month expedition टू कलेक्ट एग्स eggs वाइल्ड सैंड पाइपर्स तो उनका जो एम था वो क्या था कि कलेक्ट करने हैं एग्स इसके बर्ड के Those एग्स वुड देन be hatched इन कैप्टिविटी nearby. Hatched का मतलब होता है उसमें से बच्चे निकलेंगे कैप्टिविटी मतलब कोई भी आसपास में नीयर बाय में कोई पिंजरा होगा वहां पे मतलब कैप्टिविटी मतलब प्रॉपर एक जगह होगी जहां पे उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा वहां पे वैसे कैप्टिविटी का मतलब पिंजरा होता है सो so, उसके जो एग्स हैं वो उस उसमें से बच्चों को बाहर निकाला जाएगा किसी कैप्टिविटी में आसपास की लेटर उसके बाद द चिक्स जो बच्चे निकलेंगे वुड बी फ्लोन टू ए वाइल्ड फोर्ड एंड वेटलैंड ट्रस्ट हेडक्वार्टर एट यूके यहाँ पे एक जगह है यूके में वहां पर तो उसके बाद जो चिक्स हैं ठीक है उनको वो लेके जाएंगे फ्लोन मतलब उनको लेके जाया जाएगा यहां पे यूके में इन ऑर्डर टू स्टेब्लिश ए सेल्फ सस्टेनिंग पॉपुलेशन देयर ताकि वहां पे एक सेल्फ सस्टेनिंग पॉपुलेशन क्रिएट की जा सके ठीक है दीज बर्ड्स वुड प्रोवाइड ए सेफ्टी नेट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी अगेंस्ट द वर्ल्ड बर्ड्स डाइंग आउट वाइल्ड बर्ड्स डाइंग आउट तो ये एक तरह का सेफ्टी नेट होगा क्योंकि जो बर्ड्स uh, हैं जो खत्म हो रहे हैं उनको बचाने के लिए तो यहां पे बताया गया कि एक प्लान है इनका तो वो प्लान से क्या करेंगे पहले बर्ड्स को वहाँ से कलेक्ट करेंगे फिर उन बर्ड्स के बच्चों को निकालेंगे वहाँ से कैप्टिविटी में कहीं सुरक्षित जगह पे फिर वहाँ उनको इस ट्रस्ट की जगह पे यूके में लेके जाएंगे फ्लोन मतलब उनको लेके जाएंगे वहाँ पे तो वहाँ पे उनको वहाँ पे एक सेल्फ सस्टेनिंग पॉपुलेशन को ग्रो किया जाएगा इस्टेब्लिश किया जाएगा सो दीज आर द मेन स्टेजेस ऑफ द प्लान सो इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा फोर्थ पैराग्राफ सी सीज यू माइट वॉन्डर Why birds like spoon-billed sandpiper travel such great distances, about 8,000 kilometers in total, from their wintering grounds on the tropical coast of Bangladesh, Burma, Vietnam in South Asia, East Asia, to breed on the lowland commonly called tundra in Northeast Russia? But from the bird's point of view, it is worth it. Why? क्यों बर्ड्स लाइक ये जो बर्ड है ट्रैवल ये ट्रैवल करते हैं सच ग्रेट डिस्टेंस बहुत ज़्यादा डिस्टेंस अबाउट एट थाउजेंड किलोमीटर इन टोटल इतना डिस्टेंस वो क्यों ट्रैवल करते हैं वाई तो इसलिए हमारा यहाँ पे आंसर आना चाहिए रीजंस फॉर कंटिन्यूइंग टू मेक द लॉन्ग जर्नी क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से वो लॉन्ग जर्नी मीन्स ग्रेट डिस्टेंस को ट्रेवल करते हैं कंटिन्यू करते रहते हैं ट्रेवल करना ठीक है सो वाई बर्ड्स लाइक दिस ट्रेवल ग्रेट डिस्टेंसेस तो वाई मतलब रीजनस दिए हुए हैं तो यहां पे रीजन होगा कोई ना कोई डी सेक्शन है टू मेन फैक्टर्स दो फैक्टर्स हैं रिस्पॉन्सिबल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सैंड पाइपर्स रिसेंट रैपिड डिक्लाइन डिक्लाइन मतलब उसकी जो संख्या है वो नीचे गिर रही है डिक्लाइन मतलब नीचे गिरना रैपिड मतलब फास्ट फास्ट डिक्लाइन होने के दो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं एक तो है द ऑन गोइंग डिस्ट्रक्शन ऑफ स्टॉप ओवर हैबिटेट हैबिटेट होता है जहाँ पे वो रहते हैं जानवर ऑन इट्स माइग्रेशन रूट एंड हंटिंग ऑन इट्स विंटर ग्राउंड तो ये है एक तो डिस्ट्रक्शन हो गया उनके घर का मतलब जहाँ पे भी जंगल वगैरह यहाँ पे रहते होंगे वो दूसरा है हंटिंग ऑन इट्स विंटरिंग ग्राउंड ठीक है तो ये दो रीजंस हो गए उनके डिक्रीज का सो द डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल सिटीज इज डिस्ट्रॉइंग फॉर्मर टाइडल एरियाज वेयर सैंड पाइपर्स एंड अदर माइग्रेटरी बर्ब्स यूज्ड टू रेस्ट एंड रिफ्यूल तो इंडस्ट्रियल सिटीज की वजह से जो एरियाज़ थे टाइटल एरियाज वो डिस्ट्रॉय हो गए जहां पे ये जो बर्ड्स थे रेस्ट करते थे सब्सटैंशियल हंटिंग इज सर्टनली हेजार्ट इन साउथ सम एशियन कंट्रीज वेयर हंटर ट्रैप बर्ड्स फॉर फूड फोर्टू यही दो रीजन बताए एक उनका घर तोड़, तोड़ दिया खत्म हो गया एक हंटिंग हो रही है उनकी ठीक है तो आगे भी वही पोर्शन दिया है सो so आंसर इसका आना चाहिए सिक्स इंक्रीजिंग थ्रेट्स सो so, क्या थ्रेड्स हैं uh, उन जिनकी वजह से उनके जो स्ट्रेंथ है उनकी जो नंबर है वो कम हो रहा है सो so, इसलिए हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा सिक्स ई पैराग्राफ है वंस द एक्सपीडिशन टीम हैड रीच इट्स डेस्टिनेशन जब वो एक्सपीडिशन टीम थी जो डिस्कवरी करती है या खोज करती है वो डेस्टिनेशन पे पहुंची इट वॉज सेवन डेज बिफोर वी स्पॉटेड द फर्स्ट सैंड पाइपर तो सात दिन गुजर गए थे तब हमें जाके पहला सैंड पाइपर बर्ड मिला फॉलोइंग डेज में मोर बिगेन टू अराइव और आने शुरू हो गए मेल सॉन्ग्स हर्ड जो मेल uh, के बर्ड के सॉन्ग थे वो सुनाई दिए एडवर्टाइजिंग देयर पैचेज ऑफ टेरिटरी टू पोटेंशियल मेट्स ताकि वो अपने मेट्स मतलब फीमेल को बुला सकें वहाँ पे। एज द सेंड पाइपर्स अप जैसे ही वो पेयर्ड अप हुए मतलब उन दोनों फीमेल और मेल जो बर्ड्स थे सैंडパイपर मेट किए द सॉन्ग गिव वे टू द क्वाइट ऑफ एग लेइंग एंड इन्क्यूबेशन सॉन्ग मतलब बंद हो गए और एग लेइंग वहाँ पे सर देन उन्होंने बच्चे दिए घोंसले बनाए इन टोटल 9 नेस्ट्स वर फाउंड नौ नेस्ट्स बने थे ठीक है द फर्स्ट वन वाज लॉस्ट टू ए प्रीडेटर अलोंग विद द फीमेल अटेंडिंग इट जो पहला नेस्ट था उसको तो एक शिकारी खा गया मतलब वो ले गया और फीमेल उसमें कोई फीमेल बर्ड थी वो भी साथ में वो शिकारी ने शिकारी खा गया मतलब कोई भी जानवर होगा जिसने उसको मार दिया दिस वॉज ए स्टार्क रिमाइंडर ऑफ द वर्नेबिलिटी ऑफ द टाइनी पॉपुलेशन ऑफ नेचुरल इवेंट्स सच एज स्ट्राम्स और प्रेडेटर्स ये एक छोटा सा रिमाइंडर था कि वर्नेबिलिटी होते कितने ये नाजुक हैं या कितनी ये इनको प्रॉब्लम आ सकती है छोटी पॉपुलेशन है इनकी नेचुरल इवेंट्स की वजह से जैसे कि स्ट्रॉन्ग हो गया या शिकारी आ गए इनको खाने के लिए तो बहुत प्रॉब्लम होती है इनको तो यहां पे एक पोर्शन हुई एक डिसअपॉइंटमेंट अ मतलब वन डिसअपॉइंटमेंट कैसे क्योंकि एक नेस्ट तो वो खा गए प्रेडिटर द टीम देन सिलेक्टेड डोनर नेस्ट एंड ट्रांसफर द एग्स टू पोटेंशियली प्रिपेयर्ड इनक्यूबेटर्स तो टीम जो थी उन्होंने जो डोनर नेस्ट से जहाँ से अंडे ले लिए उन पंछियों के और ट्रांसफ़र कर दिए एग्स को एक पहले से प्रिपेयर किए हुए घोंसले में जैसे इनक्यूबेटर एक मशीन होती है जहाँ पे ऐसा इन्वामेंट दिया जाता है जहाँ पे बच्चे अंडों में से बाहर हैं दे कलेक्टेड ट्वेंटी एग्ज इन ऑल ठीक है टेकिंग इंटायर क्लचेज़ ईच ईच टाइम इट वॉज अर्ली इन द ब्रीडिंग सीजन ये स्टार्टिंग था ब्रीडिंग सीजन का सो द फीमेल्स वर लाइकली टू रीले रिप्लेसमेंट्स तो मतलब शायद जो फीमेल्स हैं वो दोबारा और अंडे देंगी क्योंकि वो अंडे तो ले लिए उन्होंने देन फिफ्टी डेज अराउंड अवर आफ्टर अवर अराइवल आने के पचास दिन बाद द मोमेंट अराइव वो समय आ गया आई विटनेस्ड माई फर्स्ट वाइल्ड स्पून बिल्ड सैंड पाइपर हैच्ड हैच्ड होता है अंडे में से बच्चे का निकलना तो मैंने विटनेस किया कि एक जो ये वाइल्ड जंगली स्पून बिल्ड सैंड पाइपर था वो पंछी था वो बाहर निकला अंडे में से आई हैड बिन लेइंग इन साइड ए वाइड बैटेड हाइड फॉर थर्टी सिक्स आवर्स वेन आई सॉ द फर्स्ट टाइनी क्लिक्स इमर्जिंग फ्रॉम द चिक्स सॉरी इमर्जिंग फ्रॉम द एग्स मैं उस जगह पे छत्तीस घंटे से मैं बैठा हुआ था उस वहाँ पे तो जब मैंने देखा कि चिक्स जो है बच्चे हैं जो अंडे में से बाहर निकल रहे हैं मेरे पास एक माइक्रोफोन भी था नियर द नेस्ट आई कुड जस्ट हेयर देयर फर्स्ट कॉल उनकी फर्स्ट कॉल सुन सकता था तो इस थोड़ा बहुत अगर हम यहाँ समझे तो हमें पता लगेगा पहले तो एक डिसअपॉइंटमेंट हुई फॉलोड बाय डिज़ायरेबल आउटकम डिज़ायरेबल आउटकम मतलब जैसी उनकी डिज़ायर थी कि हाँ भाई अंडे मिलेंगे उसमें से वो पॉपुलेशन को इनक्रीज कर पाएंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा सो आंसर इज थर्ड सो ई का आंसर आ गया थर्ड पहले डिसअपॉइंटमेंट हुई लेकिन उसके बाद हमें डिज़ायरेबल आउटकम मिली एफ पैराग्राफ है The complex rescue plan does give some ground for hope. So ये जो complex rescue plan है उन पंछियों को बचाने का ये थोड़ा सा hope तो देता है। Young chicks were flown to WWT Slim Bridge last year and again this summer. So ये जो बच्चे थे इनको इस जगह पे ले आ ए हाई टेक बायोसिक्योर यूनिट हैज़ बीन बिल्ट फॉर देम एक बड़ा हाई टेक बायो यूनिट उनके लिए बनाया गया है देर इट इज़ डिवाइडेड इन टू उन उनको दो हिस्सों में बांटा है एक में ओल्डर बर्ड्स रहते हैं और एक में एक साल के बच्चे हैं वो रहते हैं तो रिस्क जो इन्फेक्शन का है उसको मिनिमाइज करने के लिए जो स्टाफ है चेंजेस इन फुल बॉडी ओवरऑल्स एंड रबर शूज एंड वॉश देयर हैंड्स बिफोर एंट्रिंग वो पूरी सेफ्टी रखते हैं हाइजीन इज क्रूशियल हाइजीन रखते हैं पूरा इवन ए सिंगल स्ट्रैंड ऑफ ह्यूमन हेयर कुड हार्म द चिक्स बाय बिकमिंग ट्विस्टेड अराउंड देयर लेग्स और बिल्स ठीक है और छोटा सा ह्यूमन हेयर भी उनमें चला जाता है तो उनको नुकसान पहुंचा सकता है द रेस्क्यू प्लान फाइनल स्टेज वंस द कैप्टिव फ्लॉक हैज अप सफिशियंटली फ्लॉक होता है झुंड जब ये जो पंछी है इन जो पिंजरों में ये जब बंद है इनका झुंड जब ठीक ठाक हो गया सफिशेंट हो गया विल बी टू फ्लाई एग्स बैक टू रशिया टू रिलीज द चिक्स देयर तो फिर ये वापस रशिया में जाएंगे वहाँ पे ये छोड़ देंगे इन बंशियों को इट्स अ गैम्बल ये एक थोड़ा सट्टा है गैम्बल होता है जैसे मतलब पता नहीं वो काम करे ना करे ठीक है बट फिर भी वो कोशिश तो करे बट वैन द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज दिस स्पेशल इज़ एट स्टेक यू हैव टू ट्राई बट जब ऐसी स्पीशीज़ का सर्वाइवल इस स्टेज पे हो मतलब उनको बहुत ज़रूरी हो तो ट्राई तो करना पड़ेगा तो यहाँ पे थोड़ी ऑप्टिमिज़म की बात हो रही है चाहे वो सफल हो या ना हो फिर भी थोड़ी होप है कि अगर ऐसा किया जाए ऐसा प्लान बनाया जाए तो कुछ ना कुछ आ, उसका ठीक होप है हमें कुछ ना कुछ अच्छा बेनिफिट होगा क्योंकि कम से कम उनको ये चीज तो करनी ही जरूरी है कि उनको उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए सो so, इसलिए हमारा आंसर यहां पे आ जाएगा एट्स क्वेश्चन थर्टी फोर वट वॉज द मेन पर्पज ऑफ द इंटरनेशनल एक्सपिडिशन उसका मेन पर्पज क्या था यहां पे था द प्राइमरी एम ऑफ टू एंड हाफ मंथ एक्सपिडिशन तो यहां पे एक इंटरनेशनल एक्सपेडिशन। या ज्वाइन द इंटरनेशनल एक्सपीडिशन इन वन ठीक है यहां पे उसने ज्वाइन की थी इंटरनेशनल एक्सपिडिशन ठीक है लास्ट ब्रीडिंग थ्रू आउट द नॉर्थ ईस्ट एशिया सो द मेन एम ऑफ टू एंड हाफ मंथ एक्सपीडिशन वॉज टू कलेक्ट एग्स ठीक है वाइल्ड सैंड पाइपर के तो उनको एक कैप्टिविटी में उन अंडो में से बच्चों को बाहर निकाला जाएगा और फिर उनको यहाँ पे डब्ल्यू डब्ल्यू टी हेडक्वाटर्स में यूके में लेके जाएंगे ठीक है इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश ए स्मॉल सेल्फ सस्टेनिंग पॉपुलेशन देयर ताकि वहाँ पे एक छोटी सेल्फ सस्टेनिंग मतलब जो खुद से पॉपुलेशन uh, बढ़ सके ऐसा ठीक है तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आंसर आएगा स्मॉल स्मॉल ग्रुप ऑफ सैंड पाइपर्स फॉर फ्यूचर जनरेशन मतलब वो आने वाले जो टाइम पीरियड है उसके लिए उनके उनके पास कुछ स्मॉल सेल्फ सस्टेनिंग पॉपुलेशन हो अगर यहाँ ये देखें टू एड्स सैंड पाइपर्स एक्ट टू द इंटरनेशनल फ्रोजन एग बैंक तो इंटरनेशनल फ्रोजन एग बैंक की तो बात नहीं हुई या फिर टू मेक एन ऑडियो विजुअल रिकॉर्ड्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन सैंड पेपर कलोनी ऐसा नहीं था कि उनका इन, ये जो इंटरनेशनल एक्सपीडिशन थी उसका मेन एम ये नहीं था कि उनके ऑडियो रिकॉर्ड्स देखने हैं या उनकी प्रोटेक्ट करनी है उन, उनकी कलोनी को प्रोटेक्ट करना है ऑफ़ वाइट साइड पर थ्रू द ब्रीडिंग सेशन नहीं सो इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा बी सो नेक्स्ट है वट डू वी लर्न हमने क्या सीखा अबाउट द ड्रॉप इन द सैंड पाइपर्स पॉपुलेशन जो सैंड पाइपर की पॉपुलेशन में डिक्लाइन हुआ था रैपिड डिक्लाइन सा हुआ था उसे हमने क्या सीखा अगर यहाँ पे देखे हम तो बेसिकली इनका डिक्लाइन दो वजह से हुआ था एक तो हंटिंग हुआ था एक तो हैबिटेट खत्म हो गए थे डिस्ट्रक्शन हुई थी हैबिटेट की तो ये जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हुई थी ये पहली द डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल सिटीज़ जो ये जो डेवलपमेंट हुई थी ना नवी इंडस्ट्रियल सिटीज़ की इज़ डिस्ट्रॉइंग फॉर्मर टाइडल एरियाज़ ये पुराने टाइडल एरियाज़ को ख़त्म कर रही थी जहाँ पर यो वेयर ये जो, जो सैंड पाइपर और अदर माइग्रेटरी बर्ड्स यूज़ टू तो रेस्ट एंड रीफ्यूल जहाँ पर ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स थे ये वहाँ पर रेस्ट करते थे रिफ्यूल करते थे ख़ुद को एनर्जी लेते थे दोबारा तो इन इंडस्ट्रियल सिटीज़ ने इनको डिस्ट्रॉय कर दिया था इसलिए फिर उनके उनके पास जगह था जगह ही नहीं थी रहने की सो so इसलिए हम ये बोल सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ वन ऑफ द अंडरलाइंग काजेज ऑफ डिक्लाइन डेफिनेटली जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई इंडस्ट्रियल एरियाज सिटीज़ बनी इनकी वजह से इनकी डिक्लाइन हुआ सो आंसर वुड बी डी एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू प्रोटेक्ट सम ऑफ द कोस्टल हैबिटेट साइट्स ऐसा कुछ नहीं इंफॉर्मेशन है यहाँ पे कि उन एफर्ट्स बन किए गए थे कि वहाँ की हैबिटेट साइट्स को बचाया जाए ये सीखा हमने नहीं साइंटिस्ट वर मैनेजिंग टू रिड्यूस डेथ्स वो डेथ्स uh, को रिड्यूस करने में मैनेज हो गए थे ऐसा भी नहीं है सो बर्ड्स आर इंक्रीजिंगली हंटेड ऑन देयर वे नॉर्थ टू रशिया तो वो रास्ते में उनको बर्ड्स uh, को हंट कर रहे थे ठीक है यहाँ पे है सब्सटैशियल हंटिंग इज सर्टनली हजार्ड इन सम एशियन कंट्रीज वेयर हंटर्स ट्रैप बर्ड्स फॉर फूड ठीक है कन्वर्सेशनिस्ट कन्जरवेशनिस्ट आर टारगेटिंग दिस प्रॉब्लम विद स्मॉल स्केल इन इंटरवेंशंस बट यहाँ पे बर्ड्स आर इंक्रीजिंगली बींग हंटेड ऑन देर वे नॉर्थ टू रशिया तो वहाँ पर उनको हंट किया जाता था ये हमने सीखा नहीं है ये तो फैक्ट है ठीक है वट डू वी लर्न हमने सीखा क्या इसमें से तो ये तो फैक्ट है इससे हमने कुछ सीखा नहीं है कोई एडवाइस नहीं है कुछ लर्निंग नहीं है तो हमने ये सीखा कि ये इंफॉर्मेशन हमने ज़रूर पता लगी कि ग्रोथ की वजह से डिक्लाइन हो रहा है बर्ड्स का सो विच फीलिंग डिड द राइटर एक्सप्रेस जो राइटर ने कैसी फीलिंग एक्सप्रेस की व्हेन द सैंड व्हेन जब ये जो सैंड पाइपर के बच्चे थे चिक्स थे ये हैच हुए ये बच्चे बाहर आए अंडों में से सो so यहाँ पे लास्ट में है कि यहाँ पे एक तो ये बोला है कि उसको रिलीफ फील हुआ सरप्राइज फील हुआ वरी फील हुई या अमेजमेंट फील हुई तो यहाँ पे अगर लास्ट लाइन पढ़ें डिफ़िकल्ट ऑन दीज माइग्रेशंस रूट

बट उसे खुशी तो हुई थी जब वो बच्चे बाहर आए थे लेकिन उसका जो जॉय था वो कंसर्न में बदल गया क्योंकि ये जो डिफ़िकल्ट difficult, डिफ़िकल्टीज उनकी माइग्रेशन रूट्स में जो डिफ़िकल्टीज आती हैं या विंटरिंग एरियाज़ में जो प्रॉब्लम ये फेस करते हैं ये ये टाइनी क्रिएचर्स के लिए बहुत बड़ा डेंजर है सो बेसिकली सो इसलिए हम बोल सकते हैं सी इज़ द आंसर सो वो वरी था वो चिंतित था अबाउट बर्ड्स ऑफ द सेम स्पीशीज सो आंसर आ जाएगा सी सेवन क्वेश्चन है राइटर डिस्क्राइब्स द सैंड पाइपर्स यूनिट एट जो सैंड पाइपर्स की यूनिट बनाई थी डब्ल्यू डब्ल्यू टी यूके में वो उस उस पर किस चीज पे फोकस किया उसने एम्फेसाइज किया तो यह डब्ल्यू डब्ल्यू टी की ये जो स्लिम ब्रिज ये जो यूनिट थी ये एक टेक बायोसिक्योर यूनिट था जो बिल्ड किया गया था उनके लिए इनको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया था ओल्ड वर्ल्ड के लिए अलग और यंग चिक्स के लिए अलग यहाँ पे इन्फेक्शन्स को मिनिमाइज करने के लिए स्टाफ जो अपने हाथ धो के जाते थे या फुल बॉडी ओवरऑल्स डालते थे रबर के शूज़ डालते थे हाइजीन बहुत क्रूशल था तो उसने किस चीज़ पर एम्फोसाइज़ किया है कि हाउ मच केयर इज़ बीग डेवलप्ड टू देयर वेलफेयर कितनी केयर की थी उनकी Uh, उनके वेलफेयर uh, uh, की के, के लिए सो so, कितनी केयर डेवलप की थी उनके वेलफेयर के लिए हाउ मच मनी इज़ बीइंग स्पेंड तो सो मनी की बात यहाँ पे नहीं हुई हिज सरप्राइज एज टू हाउ फ्रेजाइल द यंग बर्ड्स आर कितने नाजुक हैं ये यंग बर्ड्स इसके बारे में बात हुई है नहीं हिज कॉन्फिडेंस इन द टेक्नोलॉजी अवेलेबल उसमें उसको बहुत कॉन्फिडेंस था जो टेक्नोलॉजी है उसमें नहीं तो यहाँ पे इसने जो हाईलाइट किया था कि कितनी केयर बरती गई थी मतलब यूज़ की गई थी वहाँ पे डब्ल्यू डब्ल्यू टी स्लिम ब्रिज में कितनी केयर की गई थी इन बर्ड्स के लिए सो आंसर इज ए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्टी एट से फोर्टी तो हम यूज कर सकते हैं ओनली वन वर्ड इन ब्लैंक्स को फिल करने के लिए द लाइफ साइकिल ऑफ स्पून बर्ड्स सैंड पाइपर इन द अर्ली स्प्रिंग स्पून बिल्ड सैंड पाइपर्स रिटर्न टू देर ब्रीडिंग ग्राउंड इन रशिया इन द एरिया नोन एज डैश तो ये जो पंछी थे ये अपने वापस आ जाते थे ब्रीडिंग ग्राउंड पे रशिया में जहाँ पे वो अपनी ब्रीडिंग मतलब नस्ल को बढ़ाएंगे बच्चे देके इन द रशिया इन द एरिया नोन एज डैश उस एरिया को क्या कहा जाता था सो यू माइट वॉन्डर बाई दीज बर्ड्स ठीक है ट्रेवल सच ग्रेट डिस्टेंस एट थाउजेंड किलोमीटर इन टोटल ठीक है टू ट्रॉपिकल एरिया कोस्ट ऑफ बांग्लादेश बर्मा वियतनाम इन साउथ ईस्ट एशिया टू ब्रीड ऑन द लो लैंडस कॉमनली कॉल्ड तुंद्रास इन द नॉर्थ ईस्ट रशिया So, इसको कॉमनली क्या बोला जाता था आमतौर पे इसको क्या बोलते थे टुंड्रा सो टी यू एन डी आर ए सो आंसर आ जाएगा टुंड्रा सो यहाँ पे ब्रीडिंग ग्राउंड जो है रशिया में सो so वहां पे वापस आते थे इन द एरिया नोन एज टुंड्रा ठीक है इन नॉर्थ ईस्ट रशिया वहां पे उस प्लेस को क्या बोलते हैं टुंड्रा ऑल दो द वेदर देयर इज ऑफन वेरी हार्श वहाँ पे मौसम तो बहुत खराब तो होता था हार्श मतलब तो खराब टू बिगिन विद स्टार्टिंग में देर आर ऑब्वियस एडवांटेजेस टू द सैंड पाइपर्स तो वहाँ पे सही में बोले तो वेदर तो बहुत ख़राब था लेकिन खराब है लेकिन बहुत फायदे भी हैं सैंड पाइपर्स बर्ड के लिए देर इज़ अबव ऑल द प्लेंटिफुल सप्लाई ऑफ डैश वहाँ पे बहुत सारी प्लेंटिफुल सप्लाई है किस चीज़ की प्लेंटिफुल सप्लाई ऑफ डैश एंड दिस मेक्स इट्स पॉसिबल फॉर द सैंड पाइपर चिक्स टू डेवलप वेल तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सप्लाई है डैश की जिसकी वजह से उनके जो बच्चे हैं सैंड पाइपर के बच्चे हैं, बच्चे हैं बर्ड के वो अच्छी तरह डेवलप होते हैं द लैक ऑफ डैश इज़ अनदर डेफिनेट एडवाटेज तो एक और एडवाटेज और है किसी चीज़ की कमी है वहाँ पर ये दूसरा एडवांटेज है एज अ रिजल्ट इसकी वजह से भी ए गुड प्रपोर्शन ऑफ जो चिक्स हैं वो ग्रो करते हैं वहाँ पे टू फेस द लॉन्ग फाइटिंग फ्लाइट नॉर्थ ईस्ट एशियन कोस्ट ठीक है यह दो एडवांटेज एक तो प्लेटिफुल ऑफ डैश और दूसरा लैक ऑफ डैश दूसरा एडवांटेज है, दूसर है. So पे अगर पढ़े दो देर ऑफन अराइव एस्टाइल दो दे ऑफन अराइव टू तो फाइंड हॉस्टाइल हॉस्टाइल क्या होता है मतलब अनफ्रेंडली वहां पर जो एटमोस्फेयर है वो तो अनफ्रेंडली होगा विंटरी वेदर वाइल देयर आर वे दे आर फाइंडिंग देयर मेट्स एंड मेकिंग देर नेस्ट्स जब वो अपने नेस्ट मेट से मिलते हैं और नेस्ट बनाते हैं देर आर रिलेटिवली फ्यू प्रिडेटर्स देयर वहाँ पे बहुत कम क्या है? Predators है, and abundance of insects. Insects बहुत हैं प्रडेटर्स हैं एंड अबंडेंस ऑफ इंसेक्ट्स इंसेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं दैट इमर्ज ड्यूरिंग द ब्रीफ बट इंटेंस आर्टिक समर क्रिएट्स आइडल कंडीशंस फॉर रेजिंग देयर चिक्स ये थोड़े समय के लिए होते हैं आर्टिक समर में बट ये आइडल कंडीशंस क्रिएट कर देते हैं उनके बच्चों को रेज करने के लिए उन बच्चों को बड़ा होने के लिए सो so, दो चीजें हैं एक तो प्रिडेटर्स कम है और इंसेक्ट्स ज्यादा है तो यहां पे आ जाएगा इज़ अबव ऑल ए प्लेंटिफुल सप्लाई ऑफ इंसेक्ट्स यहां पे आ जाएगा बहुत ज्यादा किए है बंड में इंसेक्ट्स ठीक है इसकी वजह से चिक्स डेवलप होते हैं और वहां पे है लैक ऑफ लैक ऑफ मतलब फ्यू बहुत कम प्रिडेटर्स इज अनदर डिफाइन डेफिनेटली एडवांटेज सो प्रीडेटर्स ठीक है सो आई होप आपको ये रीडिंग पूरी समझ में आई होगी अगर आपको कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइए ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में वो मिस्टेक्स ना करें